खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नकाबपोश अपराधी हथियार के बल पर एक घर से लगभग 2 लाख कैश और गहने लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि करीब 6 की संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला जिले के चेटरकरहर टोली बगीचे से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात अपराधियों ने 26 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात अपराधियों की तलाश कर रही है। इधर भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवकों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। जख्मी हालत में दोनों युवकों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों को पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना शहर के नवादा थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से 4 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जख्मी 2 युवकों में से एक दीपू चौधरी कुख्यात अपराधी बूटन चौधरी का भतीजा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आपसी रंजिश में गोलीबारी की घटना हुई है। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल एनएच 32 के पास तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान चांडिल के रहने वाले निरंजन चौधरी के रूप में की गई है। इधर रोहतास पुलिस ने बीते 17 मार्च को सासाराम नगर थाना क्षेत्र में भरत तिवारी से हुए 10 लाख की लूट मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर कोढ़ा गैंग के मुख्य सरगना पप्पू यादव के घर छापेमारी की, जहां से लूट के 3,05,000 रुपये बरामद कर लिए गए। इस कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटे गए बाकी के रुपयों के लिए छापेमारी की जा रही है। SBI बैंक के मुख्य शाखा से 10 लाख रुपए निकाल करके अपने घर गोरक्षणी के तरफ जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों के द्वारा उनसे वो जो बैग था, पॉलिथीन बैग जिसमें वो लेकर के जा रहे थे, उसको झपट्टा मार करके छीन लिया गया था। इस घटना को अंजाम देने में सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के करमनिया मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े हथियारबंद 3 अपराधियों ने बंधन बैंक के कर्मी से लूटपाट की। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उससे 33,400 रुपये लूटे, साथ ही अन्य जरूरी कागजात भी लूटकर 9-2-11 हो गए। मामले की प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। 2 बजे कर्मनिया चौक पर कितने रुपये की छिनतई हुई है? 33,400। आपको त्रिवेणीगंज पुलिस द्वारा बार बार हिदायत भी दिया जा रहा था, आपके लापरवाही की बात आ रही है, आपके मिली भगत पे शक किया जा रहा है, जो कहीं मिली भगत से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए? ऐसी कोई बात नहीं है, मिली भगत की बात नहीं है, घटना हुई है जो सत्य है, और थाना से हम लोग को बताया भी गया है कि अगर मुझे ऐसा क्या। औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण मानवता एक बार फिर शर्मसार होते दिखी। दरअसल एक बूढ़ा पिता अपने बेटे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाता दिखा। टीबी से ग्रसित अपने बच्चे को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज करने के बजाय इस पिता को निजी अस्पताल जाने की सलाह दे दी। लेकिन अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस मुहैया भी नहीं कराया गया, जिसके कारण बूढ़ा पिता अपने बेटे को कंधे पर लाद कर दूसरे अस्पताल ले जाने को मजबूर रहा। मामले की जानकारी होने के बाद सिविल सर्जन ने जाँच कराने की बात कही है। कटिहार नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें वार्ड 16 के पार्षद शिव पासवा निर्विरोध चुने गए। मेयर के समर्थन में कुल 45 वोट पड़े। इस मौके पर नव नियुक्त मेयर ने कहा कि जिले में जल जमाव की समस्या को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
और इधर देवघर जिले के सुजानी कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को जैविक खेती के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में झारखंड के कई जिलों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। कृषि विज्ञान केंद्र पदाधिकारी आनंद तिवारी और कृषि वैज्ञानिक विवेक मिश्रा ने सभी को सेब और मशरूम की खेती सहित कई अन्य चीजों के बारे में बारीकी से जानकारी दी। प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।